नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कालजयी महामानव के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्म से ही अनेक प्रकार की संपन्नताओं से परिपूर्ण था, निराशा भरी नस्तरों की चुहन से बहुत दूर, सफलताएं जिसका भाग्य बनने को उतावली हो रही थी, पुरुषार्थ से पहले ही उसकी महत्वाकांक्षा मात्र से मंजिल कदम चूमने को बेताब हो रही थी, वैभव जिसके चवड़ डुलाता था और सुविधाएं जिसके पांव पखार रही थी, ऐश्वर्य जिसकी आरती उतारने को उतावली हो रही थी और जिसके एक इशारे पर हवाएं अपना रुख बदल सकती थी। बावजूद इसके वह अपना सर्वोच्च न्योछावर करके, स्वेच्छा से सुखों का त्याग करके, वैराग्य धारण करके वन विहारी हो जाए तो निसंदेह ही यह घटना अलौकिक भी है और असाधारण भी, अविस्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी। कहते हैं कि ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं और महावीर बन जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की। हम आपको बताएंगे राजकुमार वर्धमान के भगवान महावीर बनने की पूरी कहानी। देखिए इस रिपोर्ट में। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की। कहते हैं कि समस्त वैभव को ठुकरा कर, विलास से विरक्त होकर, आत्म साधन से आत्मज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले राजकुमार वर्धमान के भगवान महावीर बनने की प्रेरणा स्रोत की पड़ताल करने से पहले यहां आपको बताना जरूरी है कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर यानी भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र के लिच्छवी वंश में हुआ था। लिच्छवी वंश के महाराजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के तीसरे संतान के रूप में राजप्रसाद में जन्मे राजकुमार वर्धमान जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। यह वह समय था जब भारत अंधविश्वासों के अंधकार में डूबने लगा था। पशु बलि और हिंसा का प्रचलन अपने चरम पर था। मिथ्या अभिमान ने मानवीय मूल्यों को धूल धूसरित कर दिया था। परस्पर सहयोग और सौहार्द का स्थान अब ईर्ष्या और द्वेष ने लेने लगा था। समन्वय की संस्कृति जातिवाद और वर्ण विभाजन के सिकंजे में कसमसाने लगी थी। धर्म की बातें पुस्तकों में सिमट कर रह गया था और व्यभिचार का उन दिनों में बोलबाला होने लगा था। धन लिप्सा अपने पराकाष्ठा पर था। भोग विलास के खातिर लोगों में तेजी से नैतिक पतन होने लगा था। त्याग और दया का भाव कमजोर पड़ने लगा था। ऐसे ही अंधकार में क्षितिज पर उम्मीद की एक सितारा राजकुमार वर्धमान के रूप में टिमटिमाता है, जिसने कालांतर में लोगों को अहिंसा, सत्य, त्याग और दया की पाठ सिखाई। इससे समाज में फैली अंधेरा तिरोहित होकर सभ्यता और संस्कृति के प्रकाश का पुंज बन गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म स्थल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतैक नहीं है। हालांकि जो सबसे प्रचलित मान्यता है उसके मुताबिक ईसा से 599 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। बताया गया है कि वर्तमान में यह इलाका बासोकुंड के नाम से जाना जाता है। यह वैशाली से सटे मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड में स्थित है और यहां जैन धर्म का बड़ा मंदिर भी इन दिनों निर्माणाधीन है। जैन धर्म के मानने वाले इस इलाके को जैन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं और काम प्रगति पर है। देखिए इस रिपोर्ट में। बासोकुंड मुख्य मंदिर से सटे ही अहिंसा शोध संस्थान है। यहां पर भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य, क्षमा, औचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जैन धर्म के 10 नियम और जैन मुनियों पर शोध कार्य बदस्तूर जारी है। इस शोध संस्थान में जैन धर्म के
दोनों दर्शन यानी श्वेतांबर और दिगंबर से जुड़ी सभी पुस्तकें भी मौजूद है और आप यहां इसका अध्ययन कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पूर्णतया अपने जीवन में उतार कर महावीर जिन कहलाए। जिन से ही जैन बना। कहते हैं कि जो खुद को जीत लेता है वही जैन कहलाता है, यानी जो काम जयी है, तृष्णा जयी है, इंद्रिय जयी है, भेद जयी है, दरअसल वही जैन है। भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसीलिए उनको जितेंद्र भी कहा जाता है। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि जिस वक्त भारत में भगवान महावीर का जैन दर्शन और भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग का दर्शन लोगों को प्रभावित कर रहा था, ठीक उसी वक्त इराक में जरथुस्त्र, फिलिस्तीन में जिरेमिया और इराजकील, चीन में कन्फ्यूजियम और लौत्से और यूनान में पाइथागोरस, सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों का उन दिनों विचार लोगों को काफी प्रभावित करने लगा था। अध्ययन से पता चला है कि 30 वर्ष की आयु में ही महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव का त्याग कर दिया था और संन्यास भी धारण कर लिया था। करीब 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, इसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल हुआ करते थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर और पार्श्वनाथ जी को दूसरा तीर्थंकर बताया गया है। जैन ग्रंथ के अनुसार वर्धमान के जन्म के बाद से लिच्छवी गणराज्य में उन्नति होने लगा था, इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान को वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति जैसे नामों से भी जाना गया है। बताते चलें कि इन सभी नामों के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है। भगवान महावीर के विवाह को लेकर जैन धर्म में कुछ विवाद है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय हुआ करता था और भोग में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। इधर उनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर का विवाह यशोदा नामक एक कन्या के साथ हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की एक कन्या का जन्म भी हुआ था। श्वेतांबर पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रियदर्शिनी के युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ उसका विवाह भी हुआ था। स्वयं भगवान महावीर दिगंबर थे। उन्होंने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार भी किया था और जीवन पर्यंत निर्वस्त्र ही रहे थे। दिगंबर अवस्था में ही भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के मानने वाले साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अपने साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और अधिकांश समय मौन रहे। प्राचीन जैन ग्रंथों में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख भी मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिए और इस दौरान उनके 11 गणधर यानी मुख्य शिष्य भी बने। इसमें प्रथम शिष्य का नाम इंद्रभूति था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने जीव में सम वसरण सहित 7 तत्व, 6 द्रव्य की चर्चा की है। संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल आदि उपायों का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। भगवान महावीर अक्सर कहा करते थे कि हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझो। उनका कहना था कि जो सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। उनका कहना था कि इस लोक में जितने भी जीव हैं उनमें से किसी की भी हिंसा मत करो और उनके साथ उनके पथ पर जाने से उन्हें कभी मत रोको। सभी के प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। भगवान महावीर अहिंसा का यही संदेश अपने उपदेशों में अक्सर दिया करते थे। दूसरे के वस्तु को बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना जैन ग्रंथों के मुताबिक चोरी या औचर्ज कहा जाता है। जैन धर्म में वस्तुओं की संग्रह करना पाप है, इसको अपरिग्रह कहा गया है। ऐसा करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है।
जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को बड़ा स्थान दिया गया है। महावीर स्वामी कहते थे कि ब्रह्मचर्य उत्तम कोटि की तपस्या है। यह नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते हैं, दरअसल वह मोक्ष मार्ग की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं। श्रावक और श्राविका का पालन करने वाले अनुव्रत कहे जाते हैं। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूं। धर्म सबसे उत्तम मंगल है। जैनियों के मुताबिक अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। भगवान महावीरों के विचारों को किसी काल, देश अथवा संप्रदाय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह प्राणी मात्र का धर्म है। महावीर ने धर्म का मर्म अनेकांत और अहिंसा को बताया है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो धर्मात्मा है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले ऐसे महापुरुषों को भारत हमेशा याद रखेगा और उनके बताए रास्ते पर चलने की निरंतर कोशिश भी करता रहेगा। नमस्कार।